बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्राइटल सक्सेस चैन की जानिब से आप सबको अपनी चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज पुलिस के पी के पुलिस का एक पेपर हो चुका है 26/6/2022 को, और ये पेपर टाइप है बी। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर टू है, पत्थरों का एक दूसरे के साथ टकराव को कैमर को अमले घसाव कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर थ्री है, कंप्यूटर में MB का लफ्ज डैश का मुखफ्फफ है, तो ये मेगाबाइट। तो ऑप्शन नंबर डी, MB जिसे हम कहते हैं, तो ये मेगाबाइट। और क्वेश्चन नंबर फोर है, कुदरती तौर पर जमा शुदा बर्फ का एक ये क्वेश्चन मुझे सही समझ में नहीं आ रहा, इसको ज़रा ख़ुद ही कंफर्म करें। और क्वेश्चन नंबर फाइव है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो पैसिफिक, जिसे हम बहर काहिल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द मैन हैड ए लॉट ऑफ प्राइड इन हिज वर्क, तो कहते हैं कि ये अंडरलाइन वर्ड्स प्राइड क्या है? तो ये फ़ख्र को कहते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेवन है, चूज द वर्ड विद वन सिलेबल, तो वन सिलेबल सिर्फ स्लो है, जिसे हम एक ही दफ़ा बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर एट है, देयर इज एन एरोप्लेन, ऐसे शुरू होता है, तो इससे आगे एन लगेगा, ये वावल से शुरू होता है, तो एन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर एट है, नाइन है, आई चेक ऑल द प्राइमरी क्लासरूम, नो वन वाज देयर, तो कहते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या है? तो क्लासरूम, क्लास अलग नाउन है और रूम अलग नाउन है, तो इन दोनों को कंपाउंड नाउन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर टेन है, सफ़र मेराज के दौरान चौथे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहि सलाम के साथ हुई? और क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, देश की कबूलियत की असास खुसलूसियत पर है, तो इन तमाम नमाज ज़कात दुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की कौन सी खूबी तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब है? तो फयाजी, जिसे हम सखावत कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, माया नरवी इख्तियार करने वाले पर कभी नहीं आएगा, तो तंगदस्ती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, गीदड़ की सौ साल जिंदगी, शेर की एक दिन जिंदगी, ये टीपू सुल्तान का कॉल है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, तर्जेल में से मफ़ूल की जमा मुंतखब करे, तो ये क्वेश्चन भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मफ़ूल है या क्या है, तो ये भी ज़रा ख़ुद ही कंफर्म करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपने कलम पर लिखो, तो ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, किताब बेहतरीन दोस्त है जुमले में किताब इसम की कौन सी किस्म है? तो ये इसमें आला, जिसमें किसी चीज़ किसी में किसी आला का जिक्र आ जाए तो इसमें आला कहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे इसमें नकेरा में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ऑप्शन बी और सी में। इस क्वेश्चन को थोड़ा ख़ुद ही कंफर्म करें, मैं ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मान लेता हूं, लेकिन सी भी आपने चेक करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है,
किस मौके पर हुजूर सल्लम ने फरमाया कि हक आ गया और बातिल मिट हो गया, बेशक बातिल होने वाला है। तो ये फतह मक्का के मौके पर बोला था, लेकिन ये लफ्ज़ मुझे न समझ नहीं आ रहा, मिट जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है, रिसालत के लगवी मानी है पैगाम पहुंचाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, छठे कलमे का नाम रद्द कुफर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, तो नमाज इस्तिस्का, तो इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 22 है, हुजूर सल्लम के बाद कौन कोई नबी या रसूल आने वाले नहीं है, इस अकीदे को अकीदा ख़त्मी नबूवत कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों को ज़्यादा न पानी दो, इस जुमले में मफ़ऊल को, ये मफ़ऊल की निशानदेही है। और आयशा ने फल खरीदे हैं, ख़त कशीद अल्फाज क्या है, तो ये इसमें मारिफा है आयशा। और क्वेश्चन नंबर 25 है, दर्जेल में से दस मुहावरा का इंतखाब करें, तो आंखों का तारा होना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 26 है, दर्ज ज़ैल में से दुरुस्त मुरक्कब की निशानदही करे, तो खून पसीना, खून पसीना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाड़ी केती सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए लाइन हैज वन एंड पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। मैं अगर लाइन ड्रा करूं, जैसे कि एक लाइन है और इस पे अगर तीर का निशान एक तरफ लगाएं, तो इसका सिर्फ एक ही सिरा वो इन फाइन होता है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्यूरिंग द स्कूल असम्बली 96 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन सिक्स रो, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन वन रो, तो अगर 96 पर 6 पर डिवाइड करें तो 16 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 29 है, 101,320 इन नंबर कैन बी रिटन एस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, 101,320, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सिक्स इज दी डैश ऑफ 1, 2, 3 एंड 6, तो ये मल्टीपल है, ये 1 के ज़रब में भी आता है, 2 के ज़रब में भी आता है, और 6 के ज़रब में भी आता है, तो 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 1, 2, 3 एंड 6। ये इंतहाई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 31st है, व्हाट इज़ द क्वोशंट व्हेन 45205 डिवाइड बाय 74, तो इसे 610 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नेपाल में है, तो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया की सबसे लंबी सरहद अमेरिका और कनाडा के दरमियान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 34 है, कश्मीर के मसले के सबब पाकिस्तान और भारत के माबेन 3 जंगें हुई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की जानिब, मारिया है इज़ दी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन दी क्लास, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
और क्वेश्चन नंबर 36 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू प्रिटी। प्रिटी खूबसूरत को कहते हैं, अगली बदसूरत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 37 है, डज शी कीप्स हर मनी इन MCB बैंक। शी तो हर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द फेमिनिन ऑफ ग्रूम। ग्रूम कहते हैं दुल्हा को, तो ब्राइड दुल्हन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 39 है, अवर यूज टू मॉडिफाई वर्ब एडवर्ब ऑन द एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 40 है, पाकिस्तान में कुदरती गैस सबसे पहले किस सूबे में दरियाफ्त हुई, तो ऑप्शन नंबर बी बलूचिस्तान में। और क्वेश्चन नंबर 41 है, पाकिस्तान की कुल आबादी का कितने फीसद ज़रा से वाबस्ता है, तो 65%। और 42 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के ज़खायर से जेर पानी के ज़खायर से जेर ज़मीन जो नाले निकल जो दिख जाती है उसे कारेस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 43 है, दुनिया का वो वाहिद कौन सा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर ख़ुद कपील है, तो इनमें कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 44 है, पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, तो यहाँ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तरक्की पज़ीर करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी भी आम चीज़ जगह या शख्स के नाम को इसम नकेरा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इसम नकेरा, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 46 है, गुलशन का मुतरादिफ बाग है। और क्वेश्चन नंबर 47 है, मालिक मालिक का मुतजाद ग़ुलाम है, मालिक है ये लफ्ज़ मालिक है, तो इसका मुतजाद ग़ुलाम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 306, तो इनमें 10 की जगह पहले 1 होता है, फिर 10 और फिर 100, तो 1 की जगह 0 है, 10 की जगह तो 0। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑर्डिनल नंबर आर यूज टू रिप्रेजेंट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, 1/4 इज कॉल्ड 1/4। और 51 नंबर क्वेश्चन है, 1 hour इज इक्वल टू 3600 seconds। और क्वेश्चन नंबर 52 है, 3 liter plus 100 milliliter equal to 3100 milliliter। और क्वेश्चन नंबर 53 है, जब पानी का पी बुलंदी से नीचे गिरता है तो आबशार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और 54 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भारत है। नेक्स्ट चलते हैं 55 की जानिब। पानी के हजम के लिहाज से दुनिया में कितने बहर है, तो 5 दुनिया में 5 बहर है, समंदर है। 56 नंबर क्वेश्चन, कराची इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। और 57 नंबर क्वेश्चन है, असलम इज क्लिम्बिंग ए ट्री, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, तो इज, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 58 नंबर क्वेश्चन है, आई नीड ए पेयर ऑफ शूज़, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फेयर हमेशा दो के लिए आते हैं और शूज़ दो होते हैं। और 59 नंबर क्वेश्चन है, दे गो टू द बीच इन समर, वो समर में साहिल की तरफ जाते हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन है, अ वर्ड एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू ए नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 62 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, मैं खाना काबा के ऊपर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, तो बैतुल मामूर कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है।
सिदतुलमनतहा मेराज शरीफ में हुजूर सल्लम जहाँ तक गए थे वह उसे सिदतुलमनतहा कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, वी हैव ए न्यू कलेक्शन ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 63 नंबर क्वेश्चन है, अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लकब है, वो खालिद बिन वलीद, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 64 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा तरह की कनियत क्या थी, तो उम्मे अब्दुल्ला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की जानिब। 65 नंबर क्वेश्चन है, देश का दूसरा नाम सदका है, तो खैरात का दूसरा नाम सदका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और 66 नंबर क्वेश्चन है, गज़वे तबूक का कौन से मौसम में हुआ था, तो शदीद गर्मी में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सख्त गर्मी के मौसम में। और 67 नंबर क्वेश्चन है, फतह मक्का के बाद कुफार के बारे में वसल्लम ने क्या फ़ैसला किया, माफ़ करने का फैसला किया, ऑप्शन ए करेक्ट है। 68 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज ज़ैल में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें, तो मुश्तमिल, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 69 नंबर क्वेश्चन है, फर्चन का मुतरादिफ आलम भी है, जंडा भी है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ए और बी दोनों ये करेक्ट है। और 70 नंबर क्वेश्चन है, देश का ये लफ्ज़ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो इसको स्किप कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 71 है, नासमझ, नमकदान, बामल और नामुकम्मल में लाहिका कौन सा है, तो लाहिका कहते हैं बाद में आना, तो इनमें से ऐसा लफ्ज़ जिसमें बाद में कोई ऐसा लफ्ज़ मिला हो और वो मानी देते बाकायदा, तो दान, नमकदान में दान ये लाहिका है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी में साबिका है। और 72 नंबर क्वेश्चन है, द सी एफ ऑफ 58 एंड 72S2, इसको अगर आप हल कर लेते हैं इस तरह एक एक को, तो एच सी एफ आएगा 2। और 73 नंबर क्वेश्चन है, द एल सी एम ऑफ 12, 20 एंड 30 इज 60, इसको मैंने हल किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया था। और 74 नंबर क्वेश्चन है, ये खाली सेट है, इसको वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, आला तैयबाव करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं कि 16% ऑफ 500 इज, तो इसको इस तरह हल कर लेते हैं कि 16 इसको इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आता है, लेकिन अगर आप इसको हल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ इस तरह बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो 16 लिखना है आपने, और परसेंट की जगह डिवाइड बाई 100, परसेंट का मतलब है 1/100, तो ये डिवाइड बाई 100 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 500, 16/100 ज़रबे 500, इसको अगर आप हल करें तो इससे आएगा 80, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 76 नंबर क्वेश्चन है, 9n² - 4, इसको अगर आप हल करें तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 73 है, 1973 के आइन में कितने अरकान मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी, तो 25। और 78 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 1978 में किसने सदर का अहदा संभाला, तो ज़ियाउल हक ने। और 79 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा होती है, तो पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके साथ ही मेरी वीडियो कम्प्लीट हुई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक।